नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के अपने बिल्कुल ही फ्रेश और स्पेशल सेशन में, जो कि हमारा जीके जीएस का होने वाला है यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए, जो आपका लास्ट अगस्त में पेपर निर्धारित किया गया है, जो आपका री एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट पहला है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। और बेटा, मैं आपको वादा करता हूँ, क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एकदम से क्या करेंगे, पेपर में फाड़ के रख देंगे, ठीक है? तो बिल्कुल वहां पर पेपर को फाड़ के रख देंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चंस को फाड़ के रख देंगे और शुरू करेंगे अपनी क्लास को बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करते हुए, अच्छे से विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे, और फिर बढ़ेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी है बेटा, वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है? तो डीपीएसपी जो हमारा लिया गया है वो आप सभी लोगों को पता होगा कहाँ से लिया गया है, ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे डीपीएसपी की, ठीक है? किसकी बात करेंगे? डीपीएसपी की, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है? अब यहां पर है कि इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अभी आप यहां पर काउंट कीजिएगा कि एक सवाल से कितने सवाल बन सकते हैं, ठीक है? अगर आपको वीडियो छोड़ के जाने का मन है, एक सवाल तक रुकिए, एक क्वेश्चन आप देखिएगा, उसके बाद आप चले जाना अगर पसंद ना आए तो, ठीक है? चलिए शुरू करेंगे बिल्कुल धाकड़ मिजाज में, ठीक है? तो डीपीएसपी क्या होता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है? इनको लिया कहां गया से बेटा? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है? कहां से? आयरलैंड से लिया गया है। ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है? क्या है? ये वाद योग्य नहीं है, यानी कि डीपीएसपी को न्यायालय में जाकर लागू नहीं करवाया जा सकता है, जैसे हम लागू करवा सकते हैं किनको? फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को, ठीक है? फिर तीसरी चीज, ये राज्य के लिए क्या है? सकारात्मक है, ठीक है? क्या है? सकारात्मक है, और राज्य के लिए एक सुझाव के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है? उसके बाद बात करें तो इनकी जो व्याख्या है वो संविधान के भाग 4 में की गई है और अनुच्छेद 36 से 51 तक की गई है, क्लियर, ठीक है? ये क्या है? डीपीएसपी है, ठीक है? यहां से आपके कितने क्वेश्चंस बन गए? लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बन गए, और अभी रुकिए, ठीक है? अब हम शुरू करेंगे असली खेल। असली खेल बेटा क्या है? वो ये है कि अब हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान के कुछ स्रोत के बारे में, ठीक है? स्रोत के बारे में सबसे पहले चलते हैं यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां से क्या क्या लिया गया? तो यहां से बेटा लिया गया एकीकृत न्यायपालिका। क्या लिया गया? एकीकृत न्यायपालिका को लिया गया। और क्या लिया गया? यहां से राष्ट्रपति के निर्वाचित होने का पद लिया गया और उपराष्ट्रपति का पद यहां से लिया गया, ठीक है? इतनी चीजें ली गई, अभी और हैं। और क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार, ठीक है? मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। और क्या लिया गया? तो और यहां से लिया गया है क्या चीज? और लिया गया है आपका यहां पर जो क्या होता है? प्रस्तावना, ठीक है? क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना आप लोग पढ़ते हैं हम भारत के लोग, ठीक है? क्या पढ़ते हैं? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग, वैसे ही अमेरिका का जो प्रस्तावना है संविधान का, वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। और यहां से क्या लिया गया बेटा? और यहां से लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन या फिर न्यायिक समीक्षा, ठीक है? जो आप लोग आर्टिकल 13 में पढ़ते हैं उसको यहां से लिया गया है दूसरा, ठीक है? अब दूसरा क्या लिया गया? दूसरे की अगर बात करें तो चलते हैं हम
ब्रिटेन की तरफ, ठीक है, किसकी तरफ, ब्रिटेन की तरफ। तो सबसे पहले ब्रिटेन से जो लिया गया वो ली गई एकल नागरिकता, ठीक है, इसको आप नोट करते हुए चलेंगे। यहां से एक से दो क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं। दूसरा क्या है, यहां पर लिया गया द्विसदन की व्यवस्था, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है लोकसभा और राज्यसभा, तो वहां पर क्या होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, ठीक है, क्लियर। और क्या लिया गया, और लिया गया विशेषाधिकार रिट, ठीक है, क्या ली गई यहां से विशेषाधिकार रिट जो है इसको ब्रिटेन से लिया गया, जो कैबिनेट मंत्रालय का एक प्रारूप काम करता है भारत में, इसको भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और क्या लिया गया है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज है संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, क्या है संसदीय प्रणाली जो है इसको भी ब्रिटेन से लिया गया है। तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा आयरलैंड, आयरलैंड से आपको मैंने बताया कि सबसे पहले तो क्या लिया गया डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, इसके बाद आयरलैंड से लिया गया राज्यसभा का जो नामांकन होता है यहाँ पर सदस्यों का, ठीक है, उसको यहाँ पर कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और क्या लिया गया है, तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि होती है किसको बोलते हैं, उसको हम एकल संक्रमणीय पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो इसको कहाँ से लिया गया है, इसको भी आयरलैंड से लिया गया है। फिर चौथा क्या आ जाएगा, चौथा बात करेंगे हम कनाडा की, ठीक है, कनाडा से बेटा क्या लिया गया, कनाडा से लिया गया हमारा जो केंद्र सशक्त है, ठीक है, केंद्र क्या है, सशक्त है, शक्तियां केंद्र में निहित हैं, इसको कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी जो प्रवृत्ति है इसको कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राज्यों में, ठीक है, उसको कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया है, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से ली गई है। और क्या लिया गया है, जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं इनको भी कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक। अब इसके बाद आएंगे हम ऑस्ट्रेलिया पर, ठीक है, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया पर, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीजें ली गई हैं भारतीय संविधान में, तो बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो यहां से ज्यादा नहीं, आपने सुना होगा जब विधेयक पर दिक्कत हो जाती है तो संयुक्त बैठक होती है आर्टिकल 108 से, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष किसके, लोकसभा के, लेकिन बैठक को बुलाता कौन है, तो बुलाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, तो इसको कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फिर चलते हैं यूएसएसआर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो सोवियत संघ था, ठीक, अब क्या है ये रूस है, तो सबसे पहले हमने यहां से लिया फंडामेंटल ड्यूटीज, कब, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, ठीक है, किसकी सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, ये प्रारंभ में कितने थे, 0, लिए कितने गए 10, अब कितने हैं 11, क्लियर, ये आपको हमेशा से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसको बिल्कुल मत भूलना। और क्या लिया गया है, तो यहां से लिया गया रूस की क्रांति से जो आपका न्याय है 3 प्रकार का, उसको लिया गया, 3 न्याय कौन कौन से हैं, सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है, कौन कौन सा, 3 प्रकार के न्याय जो है वो कहां से लिए गए बेटा, वो लिए गए हैं रूस की क्रांति से। अब आ जाएगा आपका फ्रांस, तो फ्रांस से 3 प्रकार की समता ली गई है, यानी कि समानता, सॉरी 2 प्रकार की समानता ली गई है, ठीक है, कौन कौन सी, अवसर एवं बंधुत्व, ठीक है, ये चीजें कहां से ली गई हैं, फ्रांस की क्रांति से ली गई हैं।
फिर आ जाएगा जर्मनी का वाइमर का संविधान, ठीक है। यहां से क्या लिया गया है, आपातकाल संबंधित जो चीजें हैं उनको लिया गया है। फिर आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका का संविधान, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, जिसको रखा गया है अनुच्छेद 368 में। क्लियर सभी लोगों को? तो ये इतनी चीजें हैं बेटा जो यहां पर हमारे संविधान में निहित हैं, जो कहीं और से ली गई हैं। तो अब ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कि एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन निपटे, तो कम से कम बेटा 20 क्वेश्चन आपके यहां पर क्लियर होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन से। और यहां पर आपका ऑप्शन होगा आयरलैंड, क्योंकि जो डीपीएसपी है उसको हमने लिया है आयरलैंड से। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां पर खत्म होता है, ठीक है। चलिए आगे चलें, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर पूछा गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक कौन है, ठीक है, मार्क लोकाक, अचीम स्टीनर, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, डेविड बेस्ली, ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो यूएनडीपी क्या है, यूएनडीपी यूएनओ की एक संस्था है जिसके प्रशासक हैं अचीम, ठीक है, कौन, अचीम स्टीनर, ठीक है, कौन है, अचीम स्टीनर हैं। अगर बात करें जॉर्जीवा की, ठीक है, तो जॉर्जीवा क्या है, जो आपका आईएमएफ है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसकी क्या है, निदेशक है, ठीक है, चेयरपर्सन है, ठीक है। इसके पूर्व में जॉर्जीवा किसकी थी, तो जो आपका विश्व बैंक है, ठीक है, क्या है, विश्व बैंक, पूर्व में क्या थी, विश्व बैंक की ये सीईओ थी। क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, अगला क्वेश्चन यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, गोरखपुर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है यमुना नदी, गंगा नदी, राप्ती नदी, गोमती नदी। तो जो भी बच्चों ने यूपी स्पेशल वाला जो सेशन है हमारा, वो कल वाला सेशन देखा होगा, उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा। इनफैक्ट कोई भी नदी, कोई भी शहर उनको मिस नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ उस क्लास में चार मैप का यूज किया था और उस चार मैप से नदियों के सारे कॉन्सेप्ट क्या थे, क्लियर कर दिए थे। तो वहां पर आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, यूपी जीके की क्लास नंबर 2, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अपने एडिशनल के बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, यमुना नदी, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे गंगा नदी की, ठीक है। तो ये मेरे पीछे क्या है, ये है बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये क्या है बेटा, गंगोत्री है, ठीक। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बना देती हैं, क्या बना देती हैं, देवप्रयाग में गंगा नदी बनाती हैं, कौन कौन, भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। यहां से यमुनोत्री से निकलती है यमुना और यहां पर आ जाएगा आपका क्या, प्रयागराज, क्या आ जाएगा, प्रयागराज। और प्रयागराज में गंगा और यमुना का हो जाता है संगम, ठीक है। फिर यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये भी मैंने कल आपको उसी क्लास में ट्रिक से बताया था कि CSBK, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, ये चार नदियां हैं और चारों का क्रम भी बेटा यही है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये कौन सी नदी है, यमुना। यमुना क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है, 2525 किलोमीटर। कन्नौज में कहां पर रामगंगा नदी है, कहां पर, कन्नौज में रामगंगा आकर गंगा से मिलती हैं और गंगा धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो बेटा कुछ सिटी जो है वो गंगा के किनारे पड़ते हैं, उसमें से कौन कौन है, पहला है हरिद्वार, फिर क्या है, कन्नौज है, फिर उसके बाद क्या है, कानपुर है, फिर उसके बाद क्या है, कानपुर के बाद बेटा
प्रयागराज है, ठीक है, क्या है, प्रयागराज भी पड़ता है, फिर उसके बाद पटना, फिर उसके बाद भागलपुर, क्या है, भागलपुर, फिर उसके बाद आपका एक तरह से पश्चिम बंगाल में ये प्रवेश कर जाती हैं। तो ये सिटी जो है ये मिलते हैं आपके दाहिने किनारे पर, ठीक है। अभी इसमें भी ट्विस्ट है, अब बाएं किनारे पर कौन से हैं, तो बाएं किनारे पर पड़ जाता है आपका वाराणसी। अगर ये आपने कल की क्लास ली होती तो आज बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब बात करें, चलिए गंगा नदी क्लियर, अब आएंगे यमुना नदी पर। यमुना नदी के किनारे कौन कौन सा स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे सबसे पहले आपका आ जाएगा दिल्ली, ठीक है, हमारी राजधानी दिल्ली। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है आगरा, आगरा के बाद बेटा है मथुरा, मथुरा के बाद क्या है, मथुरा के बाद ये यहां पर समाप्त हो जाता है। प्रयागराज भी आप क्या है लिख सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज में भी ये नदी क्या है आके मिलती है, तो एक तरह से प्रयागराज भी इनके किनारे पर स्थित हो जाता है। फिर बात करेंगे गोमती नदी की, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, ठीक है, वो कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है, क्लियर। तो और कौन सा है, और आपका सुल्तानपुर, ठीक है, क्या है, सुल्तानपुर, ये भी कहाँ है, गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। गोरखपुर किसके किनारे पर बसा हुआ है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है मॉरिस रिचर्ड, बॉबी हल, मंजूर हुसैन, मेजर ध्यानचंद। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सब लोगों को पता होगा कि हॉकी के जादूगर कौन थे, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, क्या थे, मेजर ध्यानचंद कौन थे, हॉकी के जादूगर थे, इनको क्या बोला जाता है, हॉकी के जादूगर। आप लोगों ने नाम सुना होगा हिटलर का, तो एक बार जब ये खेल रहे थे तो हिटलर आया था मैच देखने, तो मैच देखने के बाद वो इतना प्रभावित हुआ कि इनको बोला कि आप जर्मनी की नागरिकता लेकर क्या करें, आप जर्मनी की तरफ से हॉकी खेलिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था हमारे देश के लिए। अब इनके बारे में कुछ चीजें हैं, इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को, कहां पर, प्रयागराज में, ठीक है, कहां पर हुआ था, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। इनको चंद जो नाम पड़ा इनका, वो इसलिए पड़ा क्योंकि ये आर्मी में थे, तो जब ये आते थे तो चांदनी रात में घंटों प्रैक्टिस किया करते थे, तो इनके जो दोस्त थे वो इनको चंद कहने लगे, वहां से इनका नाम मेजर ध्यानचंद जो है वो पड़ गया। इनका योगदान जो था वो 3 बार हॉकी टीम को गोल्ड मेडल दिलाने में था, कहां पर, ओलंपिक में, ठीक है, कब कब, 1928, 1932 और 1936, ये 3 साल इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था हॉकी में भारतीय हॉकी टीम को। फिर यहां पर अगर बात करें मॉरिस रिचर्ड और बॉबी हल को, तो ये कनाडा के आइस हॉकी प्लेयर हैं। बॉबी हल को क्या बोला जाता है, बॉबी हल को बोला जाता है गोल्डन जेट, क्योंकि ये बहुत तेजी से गोल करते थे, ठीक है। यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, मेजर ध्यानचंद आपका सही जवाब यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट करके अपनी परेशानी बता सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था,
ऑप्शन क्या है? राणा सांगा और हुमायूं, इब्राहिम लोदी और बाबर, इब्राहिम लोदी और अकबर, राणा सांगा और बाबर। ठीक है, तो बात करें अगर हम बाबर की, ठीक है, किसकी? बाबर की। तो ये 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध करता है। किसका? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो लड़ता है। किसके साथ लड़ता है वो? इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। यहां पर ये जीत जाता है और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होती है। ठीक है, बाबर को बुलाया किसने था? तो बाबर को बुलाया था मेदिनी राय, राणा सांगा। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था? बुलाया था इसको एक तरह से। तो ये जब भारत आता है तो सबसे पहला युद्ध लड़ता है, पानीपत का पहला युद्ध। उसके बाद ये 1527 में लड़ता है खानवा का युद्ध। किसके साथ? राणा सांगा के साथ। ठीक है, क्या है? राणा सांगा के साथ ये खानवा का युद्ध लड़ता है और इस युद्ध में ये जिहाद का नारा देता है। ठीक है, मदिरा छोड़ने का नारा देता है, मतलब शराब का सेवन जो है उसको छोड़ने का नारा जो है वो देता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो राणा सांगा की सेना थी, बेटा ध्यान से सुनना, राणा सांगा की जो सेना थी वो बहुत ही बड़ी थी, तो बाबर की जो सेना थी वो डर जाती है। तो अब बाबर को ये लगता है कि अगर यहां से मैं वापस चला गया, क्योंकि देखिए बाबर जो था वो हर जगह से भगाया गया था, अफगानिस्तान से भगाया गया, फरगना से भगाया गया, हर जगह से वो भागा। उसके पास लास्ट ऑप्शन क्या था? अफगानिस्तान, वो भारत था, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उसके पास पाने के लिए सब कुछ होता है। ठीक है, जैसे आपके पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए सब कुछ है, दम लगा के पढ़ेंगे तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? डी आंसर सही हो जाएगा, राणा सांगा और बाबर। ठीक है, तो कौन सा युद्ध लड़ा था इन्होंने? खानवा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, चलिए इसके बाद इसने एक युद्ध और लड़ा था, घग्घर का युद्ध। ठीक है, किसका? घग्घर का युद्ध। वो किसके साथ लड़ा था? वो लड़ा था ये मेदिनी राय के साथ, और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर, तो ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है कुतुब मीनार की ऊंचाई डैश डैश है, मतलब बेटा कितनी है? 43 मीटर, 53 मीटर, 63 मीटर, 73 मीटर। तो जो कुतुब मीनार है इसके बारे में अगर कुछ आपको पता हो तो अब मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या है कुतुब मीनार? पहले बात तो स्थित कहाँ है? दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसके बगल में। कहाँ पर? जामा मस्जिद के बगल में स्थित है। बनवाया किसने था? तो बनवाने के लिए अब दो नाम सामने आएंगे, एक आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का और एक आएगा इल्तुतमिश का। ठीक है, ये दो नाम सामने आएंगे, ऐबक और इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण जो है बेटा वो प्रारंभ करवाया था और इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। ठीक है, तो ये दो जो हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप बात करें इसकी हाइट की तो इसकी हाइट है 72.5 मीटर। ठीक है, 72.5 मीटर। इसका सिर्फ जो ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, क्या है? जो ग्राउंड फ्लोर है सिर्फ उसे ही क्या किया गया है? ओपन रखा गया है, बाकी सारे फ्लोर्स को बंद रखा गया है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जिनकी सुसाइडल टेंडेंसी होती है वो वहां से जाके कूद के आत्महत्या कर रहे थे, इसलिए इसको बंद करवा दिया गया। अब बात करें अलाउद्दीन की, ठीक है, तो अलाउद्दीन ने इसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है, क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। तो यहां पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, क्या था? गुलाम वंश का संस्थापक था। इल्तुतमिश क्या था? इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था गुलाम वंश का, इसको हम बोलते हैं गुलामों का
गुलाम, ठीक है, क्या बोल देते हैं, गुलामों का गुलाम जो है वो बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, गुलामों का गुलाम। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो एग्जैक्ट ऊंचाई 72.5 मीटर से है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो जहां पर जैसा ऑप्शन वहां पर वैसा आंसर आपको करना है। फिर पूछा गया है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो पापीकोंडा जो है वो आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। अब बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में और कौन कौन से स्थित हैं। तो सबसे पहला आपका है पापी कोंडा, ठीक है। उसके बाद आपका है, एक है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, एक है वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, ये आप याद रखेंगे। अब इसके बाद बात करें अगर मध्य प्रदेश की, ठीक है, किसकी, मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में शॉर्ट में लिखता हुआ मैं चलूंगा, आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर कौन कौन से हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो कहां पर है बेटा, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जाता है। सबसे ज्यादा जो बाघ है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के रिजर्व के बारे में। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, वो है मध्य प्रदेश में। फिर कौन सा है, बांधवगढ़ है, वो कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। फिर है पन्ना, और कौन सा है, पेंच, और कौन सा है, सतपुड़ा, और कौन सा है, माधव। ये सारे जो उद्यान हैं वो कहाँ पर हैं, वो स्थित हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, कहाँ स्थित हैं, मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात करें कर्नाटक की, ठीक है। कर्नाटक में कौन कौन सा है, तो सबसे पहला है कदरेमुख, कौन सा है, कदरेमुख। उसके बाद है मुदुमलाई, उसके बाद है नागरहोल, ठीक है, क्या है, नागरहोल। तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान में अगर बात करें, तो राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट है, इधर लिख देता हूं आपको दिखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है सरिस्का, ठीक है। सरिस्का कहां पर स्थित है, राजस्थान में। फिर उसके बाद केवला देव, ठीक है, केवला देव है। और रणथंबोर, कौन सा है, रणथंबोर, ये भी कहां पर स्थित है, राजस्थान पर स्थित है। एक और इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मुकुंदरा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, राष्ट्रीय उद्यान है जो यहाँ पर स्थित हैं। पापीकोंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपका आंसर 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैं सोच रहा हूं कि आज पहली क्लास है, तो यहीं पर क्लास को थोड़ा सा खत्म, चलिए अब क्वेश्चन आ गया है तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर, ठीक है, क्या थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। फिर जो सेकंड होती है, सेकंड जो थी ये थी पीसी महाल नोबिस, ठीक है, इसकी पीसी महाल नोबिस। फिर तीसरी जो थी ये थी गाडगिल मॉडल पर, ठीक है, किस पर थी, गाडगिल मॉडल पर। उसके बाद जब चौथी पंचवर्षीय योजना का समय आता है तो हो जाता है योजना अवकाश, क्या हो जाता है, योजना अवकाश हो जाता है बेटा। इसके बाद फिर जब पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है तो इंदिरा गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनती हैं और नारा देती हैं किसका, गरीबी हटाओ, किसका, गरीबी हटाओ का नारा यहाँ पर वो देती हैं। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या बोला जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने बताया था कि भारत का पैसा किस प्रकार बाहर जा रहा है, ठीक
ठीक है, बुक का नाम एग्जैक्ट अभी मिस हो रहा है, मतलब एकदम से दिमाग में है बस बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां तक आज हम अपनी क्लास रखते हैं। आपके लिए देखिए बेटा क्वेश्चंस बहुत थे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था, बहुत सारे लगभग 50 क्वेश्चंस थे, लेकिन पहली क्लास है तो बस मैं ये चाहता हूं कि आपका फीडबैक कैसा रहता है इसके लिए। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो हम इसको क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो भी बच्चा, ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, जो भी बच्चा किसी प्रकार परेशानी में है, ठीक है, तो यहां पर वो संपर्क कर सकता है, आपकी हर परेशानी मैं पर्सनली सॉल्व करूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, आपकी जो PDFs हैं वहां पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा अगली क्लास को स्टार्ट करने के लिए। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।